नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में निकोरिया कहते हैं और आम भाषा में सफ़ेद पानी कहते हैं। दोस्तों, गायनेक ओपीडीज में वाइट डिस्चार्ज के सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे जाते हैं, इसलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वाइट डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकली यानी कि नॉर्मल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकली यानी कि अबनॉर्मल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकली एक बॉडी का सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे वजह से अनवांटेड थिंग्स को बाहर निकाला जाता है इन अ फॉर्म ऑफ वाइट डिस्चार्ज। तो ये वाइट डिस्चार्ज टोटली नॉर्मल होता है और यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर इसी वाइट डिस्चार्ज में कुछ चेंजेस देखने के मिलते हैं, जैसे कि उसके कंसिस्टेंसी में, उसके कलर में, उसके स्मेल में, तो वो अब नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर हमारी चिंता बढ़ जाती है। कंसिस्टेंसी में वो चिपचिपापन हो जाता है, कलर में उसके वो ब्राउनिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है, येलिश हो सकता है या फिर ग्रीनिश हो सकता है, और वो उसमें से बदबू यानी स्मेल आता है और वजाइना एरिया में इचिंग भी होता है। चलिए अब देखते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज के काफ़ी सारे रीजन देखे जाते हैं, जैसे कि पुअर हाइजीन, पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप अनिमिक हैं, देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस, देन इन्फेक्शन, पीसीओडी का प्रॉब्लम जिसे है, फैमिली हिस्ट्री, हाई शुगर इंटेक, या ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं, पीसीओडी, या फिर अगर आपको लंबे समय तक किसी एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू है तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज के चांसेस हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वजाइनल डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे डॉक्टर्स एंटी फंगल टैबलेट और एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। एंटी फंगल टैबलेट्स में एट्राकोनाजोल या फ्लुकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डॉक्टर्स पेरिनियल वॉश भी देते हैं, यूजुअली लैक्टासिड पेरिनियल वॉश के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं मेडिकेशंस के नाम सिर्फ आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रही हूँ, आपको सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज का कंप्लेंट काफ़ी कॉमन है और बार बार होता है पेशेंट को, और काफ़ी टाइम भी लगता है ठीक होने में, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम इसके प्रिकॉशंस लें ताकि ये हमें बार बार ना हो, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि हम इससे बच सकें। तो चलिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रहेगा वजाइनल केयर, सेकेंड रहेगा डाइट एंड थर्ड रहेगा हेल्दी हैबिट्स। वजाइनल केयर में आपको ध्यान देना है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और मॉइस्ट फ्री रखना है। आपको उसे नॉर्मल टैप वाटर से ही वॉश करना है। आपको कोई भी सेंटेड या फिर परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही सेंटेड और परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वजाइना का पीएच डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपको बार बार स्वेटिंग होती है तो आपको पैंटीज दिन में 2 से 3 बार बदलनी चाहिए, और आपको पैंटीज सिर्फ कॉटन के ही पहनने चाहिए, आपको सिंथेटिक गारमेंट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेंसेस के दौरान आपको पैड को 6 to 7 आवरली चेंज करना चाहिए, एंड हैंस यू हैव टू मेंटेन अ कंप्लीट हाइजीन। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी है, आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, बहुत सॉल्टी, बहुत स्वीट, या फिर जो चीज़ आपको डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी जाता है उस चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको फर्मेंटेड चीज़ों से दूर रहना है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमें लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हमें लेमन, मैंगो, ऑरेंज, कैनबेरीज और सारे सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और हमें उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लें, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक बढ़ाएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स में आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है, आपको योगा एक्सरसाइज करना है ताकि आपको आपका ओवरऑल बॉडी जो हो वो हेल्दी रहे। आपको आपका खुद का ख्याल रखना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल आपको कंट्रोल में रखना है। अगर अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, अगर आपको रिकरेंट यूटीआई का प्रॉब्लम है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इन सारे समस्याओं का निदान करना है।
तो दोस्तों ये सारी बातें थी वजाइनल डिस्चार्ज वाइड डिस्चार्ज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।